Hi, this is Ranjit. I am a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आपको जैसे पता है कि हम इस तरह के courses, इस तरह के topics लेकर आते हैं जहां पर आपको professionally, personally बड़ी मदद हो सके और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको जो problems के solution आपके school, university, college या office के अंदर नहीं मिलते, द रंजीत कुमार शो के अंदर आपके उन तमाम मसले मसाइल को हम डिस्कस करते हैं ताकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल अच्छी सी नरिशमेंट हो सके और आप अपने करियर में बड़ा शानदार किस्म का काम कर सके। तो आज हमने इस टॉपिक पे, जो टॉपिक है हमारा, कि पीएचडी किसको करनी चाहिए, पीएचडी किसी को नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग पीएचडी इसलिए करते हैं कि टैग लग जाए, और कुछ लोग समझते हैं कि हमारा करियर बड़ा शानदार और ज़बरदस्त हो जाएगा। उसकी क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी पैरामीटर्स हैं, इस टॉपिक के लिए हमने दावत दिया आज डॉक्टर उस्मान अली वड़ाइत साहब। डॉक्टर उस्मान अली वड़ाइत साहब का आप लुक एंड फील देखेंगे, लगेगा यार इतना यंग सा आदमी इतना कुछ कैसे कर सकता है। सीवी का डॉक्यूमेंट हमने देखा, मोर देन 9-10 पेजेस, बट अमेजिंग किस्म का काम किया है। तो डॉक्टर उस्मान अली वड़ाइत साहब, आपसे हम गुजारिश करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने पीएचडी कब, क्यों और कैसे शुरू किया। इतनी छोटी सी उम्र में पीएचडी का जो टाइटल लेके आप घूम रहे हैं, मैंने पता है क्या समझा था, मैंने कहा यार किया होगा पहला वाला पीएचडी, लेकिन आप तो पोस्ट डॉक भी कर चुके हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड था, फैमिली बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन का था और फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन का था। टीचिंग एक हॉबी थी, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी 2010 में। जब मैं इस सेक्टर में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचिंग विदाउट पीएचडी नहीं चल सकता। अगर आपने टीचिंग करनी है तो आपको पीएचडी होना पड़ेगा। और बेसिकली मेरे जो कोर्सेज थे वो सब रिसर्च मेथड, मॉडलिंग, इकोनॉमेटिक्स, डेटा साइंस, इस तरह के कोर्सेज थे। वो कोर्सेज अंडर ग्रेजुएशन में ऑफर ही नहीं होते थे। एब्सोल्युटली वो बीबीए एमबीए के अंदर ऑफर नहीं किए जाते थे, वो नॉर्मली ऑफर किए जाते थे एमफिल और पीएचडी से। बिल्कुल ऐसा ही। फिर नॉर्मली भी यूनिवर्सिटी से मेरे गेस्ट स्पीकर सेशन, ट्रेनिंग सेशन करवाना शुरू किए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। 2010 में मैंने गिनी स्टार्ट कर दिया था, ज़ेविस जाना शुरू कर दिया था ट्रेनिंग सेशन के लिए। राइट। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप ऑफिशियली सुपरवाइज नहीं कर सकते पीएचडी का डेजर्टेशन जब तक आप खुद पीएचडी नहीं है। तो कई 2-3 साल तो मेरी ट्रेनिंग चलती रही, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपने पीएचडी को सुपरवाइज करना है तो आपको फिर खुद पीएचडी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने पीएचडी किया था मैनेजमेंट साइंसेस में। फिर पीएचडी के बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया था एंटरप्रेन्योरशिप में पुर्तगाल से। राइट। तो बेसिकली आईपीएल यूनिवर्सिटी से किया था, क्यूएस रैंकिंग माशाल्लाह उसकी टॉप 250 यूनिवर्सिटी में से आती है दुनिया की। और तब से पिछले 14 साल से यूनिवर्सिटीज में टीच कर रहा हूँ माशाल्लाह, कराची की तकरीबन 10-12 यूनिवर्सिटीज में टीच करता हूँ। एब्सोल्युटली यस, मैंने आपका पूरा प्रोफाइल देखा जी। इतनी सारी यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करते हैं? तो हमने तो देखा यार, जैसे हम हैं जी, हमने एमबी क्या इक्विवेलेंसी मिल गया एमफिल की जी, तो हम 4-5 कोर्सेज 4-5 यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकूँ। आप फुल टाइम भी नहीं है, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और पीएचडी की भारी भारी क्लासेस को मैनेज कर रहे हैं जी, हाउ कैन यू मैनेज इट सर? सर बेसिकली एक सेमेस्टर में मैं 4-5 यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाता हूँ, 4-5 स्किप करता हूँ। और जैसे लास्ट सेमेस्टर में मैं माजो में टीच कर रहा था, मैं बहरिया में टीच कर रहा था, तो इस सेमेस्टर मैंने माजो को ड्रॉप कर दिया। राइट। इस सेमेस्टर मुझे ग्रीनिश पढ़ाना था, ज़ेविस ड्रॉप कर दिया। तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो मैं 7 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा सकता। नहीं पढ़ा। नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ इवनिंग में 6 to 9। तो फिर बेसिकली मैंने डेज डिवाइड किए होते हैं, एक दिन सीबीएम चला गया, एक दिन बहरिया यूनिवर्सिटी पढ़ा दिया, एक दिन सलीम हबीब पढ़ा दिया, एक दिन माइट पढ़ा दिया, एक दिन डी टी सफा पढ़ा दिया। तो जिस सेमेस्टर में मैं इकरा पढ़ाता हूँ उस सेमेस्टर में फिर मैं ज़ेविस गिनीज ड्रॉप कर देता हूँ, माजो ड्रॉप कर देता हूँ। तो बेसिकली एक सेमेस्टर में मैं 5 to 6 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा नहीं टीच कर सकता। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में उनमें से 3 से 4 स्किप कर देता हूँ, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज में टीच कर देता हूँ। एक्सेल। तो बेसिकली एक सेमेस्टर में जैसे आप कह रहे हैं कि वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं ऐसा ही। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फिर आपको 2 कोर्सेज पढ़ाने पड़ते हैं, तो आपके वीक में 2 विजिट्स हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। फिर हर सेमेस्टर में मुझे बस 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में कंटिन्यू करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में उन्हें ड्रॉप करता हूँ, फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा लेता हूँ। एब्सोल्युटली यस, बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब यानी कि पढ़ाई के साथ भी लगाव है और उसके साथ साथ आप जो है अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पीएचडी क्यों करनी चाहिए जी, किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए? पहले क्यों करनी चाहिए उसका जवाब दें जी, किसको और किसको नहीं करनी चाहिए उसके बाद। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसकी वजह ये आजकल हर बंदा पीएचडी कर रहे हैं। सर मैं भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, होनी चाहिए। हाँ मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पिछले 14 साल से मैं इस सेक्टर में हूँ, कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज देख चुका हूँ, यस तमाम लोगों को पीएचडी करते देख चुका हूँ। पीएचडी पाकिस्तान में सिर्फ उससे करनी चाहिए जिसे यूनिवर्सिटी के अंदर परमानेंट फैकल्टी मेंबर बनना है। ऐसा क्यों सर? ऐसा की रिक्वायरमेंट सर,
आप अगर लिंक्डइन चेक करें, इंटरनेशनल जॉब क्राइटेरिया चेक करें, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जिसके लिए पीएचडी रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मैं तो ये डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एचएससी का क्राइटेरिया है कि आपको पीएचडी प्रोग्राम रन करने के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीएचडी चाहिए, राइट। आपको बीबीए प्रोग्राम रन करने के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीएचडी चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, यूनिवर्सिटी अपना डिपार्टमेंट रन ही नहीं कर सकती जब तक उनके पास रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पीएचडी की। ओके, तो चाहे उसके पास नॉलेज हो या ना हो, क्योंकि 2010-11 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि टीचर अच्छा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसलिए कंटिन्यू किया हुआ क्योंकि पीएचडी है। बिल्कुल ऐसा ही, और आपको नंबर ऑफ पीएचडी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। हाँ, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी को अपना सिस्टम रन करने के लिए पीएचडी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक तो ये केस हो गया। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उन्हें नॉलेज चाहिए, पैशन चाहिए, डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, तो बेसिकली वो कहते हैं काम आना चाहिए। अगर आपका पीएचडी की डिग्री नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, माने मेरे पास एचआर की पीएचडी की डिग्री है, आपका डिग्री नहीं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा अच्छा ट्रेनर है, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में तो करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी जो एमफिल को पढ़ा सकता हूँ, आप नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल ऐसा ही, वजह ये आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री नहीं है। ओके, तो पहले तो ये समझें, जिन्होंने परमानेंट फैकल्टी मेंबर बनना है उनके लिए पीएचडी करना। अच्छा उस्मान साहब, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रेक करता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं पहले प्रो कॉर्पोरेट मेंबर हूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं काम करता हूं, 10 साल का एक्सपोजर है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार अभी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए यूनिवर्सिटीज को, तो विजिटिंग फैकल्टी में अभी पढ़ा रहा हूं। अगर मैं परमानेंट नहीं बनना चाहता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही रहना चाहता हूँ और पीएचडी भी करूँ, तो इसका क्या नुकसान होगा मुझे? सर, डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। परमानेंट फैकल्टी मेंबर में बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं। लेक्चरार होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। बेसिकली आपका प्रमोशन नहीं हो सकता जब तक आपका पीएचडी ना हो, इस बात को समझना जरूरी है। आप अगर 20 से 25 साल से भी पढ़ा रहे हैं तो आप लेक्चरार से ऊपर नहीं जा सकते। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की डिग्री चाहिए। तो बेसिकली सारा कुछ सैलरी से ताल्लुक है, क्योंकि ब्रैकेट्स होते हैं ना, सैलरी लेक्चरार 140 पे आके ब्रेक लग जाएगा, उसको 140-150 को क्रॉस करने के लिए असिस्टेंट बनना है, फिर इसको 250 क्रॉस करने के लिए एसोसिएट बनना है, फिर इसको 320 क्रॉस करने के लिए प्रोफेसर बनना है। तो बेसिकली अगर वो यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर है, तो जाहिर बात है उसे प्रोग्रेस करनी है, उसको ग्रोथ चाहिए, तो उसकी तो मजबूरी है, क्योंकि उसकी सैलरी डिपेंड कर रही है उसकी डिग्री के ऊपर। बिल्कुल, वो जब तक पीएचडी नहीं करेगा तो वो पूरी जिंदगी लेक्चरर ही रहेगा, तो इसके लिए तो पीएचडी जरूरी होगी। बिल्कुल, अब आते हैं विजिटिंग फैकल्टी पे। बिल्कुल सही, आपको पता है विजिटिंग फैकल्टी पर आर पे होती है, ठीक है। उसमें पीएचडी और नॉन पीएचडी में बहुत थोड़ा फर्क है। ओके, बहुत थोड़ा, इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब बहुत ज्यादा माइन्यूट। बिल्कुल सही, अगर आप इसकी एनालिसिस करें तो आप सोचें, अगर आप अर्निंग के पर्पज के लिए पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपके 5 साल लग रहे हैं, जितनी फीस आपकी स्पेंड हो रही है इसको रिकवर करने के लिए 40-50 ईयर्स चाहिए होंगे। 40-50 ईयर्स, उसकी वजह क्या है? 6-8-10 लाख रुपए तो आप पे करेंगे। अगर आपने फॉरन से पीएचडी किया तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की डिग्री है। मलेशिया भी जाएंगे तो 40-50 लाख रुपए आपके कम से कम इन्वेस्ट होंगे। बिल्कुल, 5 ईयर्स की है। हाँ, तो पर ईयर की कॉस्ट आपकी 30-40 लाख रुपीज होती है यूरोप में। 5 साल के लिए 1.5 करोड़ रुपए आपको स्पेंड करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पर आर में कुछ 100, 100, 200, मैक्सिमम 300 तो डिफरेंस आएगा। तो पूरे सेमेस्टर में 45 credit hours है। हाँ, अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9000, तो 4 मंथ्स में अगर आपने 9000 ज्यादा अर्न कर भी लिया तो बेसिकली आप प्रेस्टीज के लिए तो कर सकते हैं, रिस्पेक्ट के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आप अर्निंग पर्पज के लिए पीएचडी करना चाह रहे हैं फिर आपको परमानेंट होना पड़ेगा। विजिटिंग में कोई फायदा नहीं है। राइट, पीएचडी होने का। और पीएचडी करने के बाद अगर गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लेनी चाहिए तो वो गवर्नमेंट में बेनिफिट है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी जो जॉब्स यूनिवर्सिटीज में आती है उसकी रिक्वायरमेंट में पीएचडी, लेकिन वही बात होगी, गवर्नमेंट जॉब हो गई, परमानेंट जॉब हो गई। हाँ, तो बस समरी ये है कि अगर आपने परमानेंट फैकल्टी मेंबर बनना है, राइट, नॉर्मली हमारे यहाँ फीमेल्स ज्यादा पीएचडी कर रही होती है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो, आपको पता है, डॉक्टर हो या फिर टीचर हो, हाँ, तो फिर अलाउ करेंगे जॉब, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फिर फीमेल को ये होता है मैं पीएचडी कर लूंगी, यूनिवर्सिटी में टीचर बन जाऊंगी। पाकिस्तान में इस प्रोफेशन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। बिल्कुल ऐसा, कोई मना नहीं कर, कोई मना नहीं करता, हर कोई प्राउड होता है मेरी वाइफ पीएचडी, माय वाइफ पीएचडी डॉक्टर है। ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ फैमिलीज को जिन्होंने शोहर ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ और वाइफ पीएचडी डॉक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, और वो शोहर हर जगह गैदरिंग में सबसे प्राउडली कहता है माय वाइफ इज पीएचडी डॉक्टर और फलां यूनिवर्सिटी में टीचर है, यहाँ पे टीचर है। तो हमारे यहाँ जो ज्यादा पीएचडी कर रही होती है नॉर्मली फीमेल्स कर रही होती है, उनका रीजन ये होता है कि यूनिवर्सिटीज में टीचिंग की जॉब। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, हम ऐसा करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद सवालों का सिलसिला दोबारा जारी रखते हैं ताकि हम मजीद जान सकें कि पीएचडी के अंदर जो जज्बात छुपे हुए लोगों के और उन्होंने करियर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो राइट और रॉन्ग डायरेक्शन में। तो जितने पैसे आप बता रहे हैं और जितना पैसे आप बता रहे हैं कि ये कमाने हैं कॉर्पोरेट में, तो हमें लगता है कमा के छोड़ दिए हमने इतने, तो
तो इस पर मजीद बात करते हैं कि हाउ कैन वी मेक अ पीएचडी एज अ करियर और नॉट, किसको करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, दोबारा बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।